मणिपुर में 3 मई से ऐसी हिंसा चल रही है। वहां पर मारकाट, हिंसा, लोगों पर गोलियां चलाना, उनके गले काटना, महिलाओं का बलात्कार करना, ये सब 3 मई से चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 मई से दुनिया का दौरा कर रहे हैं। मणिपुर जल रहा था, लेकिन 19 मई को प्रधानमंत्री जी जापान गए। मणिपुर जलता रहा, महिलाओं का बलात्कार होता रहा, लेकिन 21 मई को प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए, क्योंकि वहां की समस्याएं सुलझाना तो मणिपुर से ज्यादा जरूरी है। 22 मई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए, 20 जून को अमेरिका गए, 24 जून को इजिप्ट गए, 13 जुलाई को फ्रांस गए, 15 जुलाई को यूएई गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा। यहां तक कि मणिपुर से एक आया हुआ डेलीगेशन 10 दिन तक प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए और प्रधानमंत्री जी मणिपुर से आए उस डेलीगेशन से मिले भी नहीं। मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आज इस देश की बेटियों के साथ हिंसा हो रही है, अगर देश की बेटियों के साथ ऐसे दिल को दहलाने वाली हिंसा हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? क्या कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह? क्या कर रहे थे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह? क्यों मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए? क्यों प्रधानमंत्री जब 3 मई से मणिपुर जल रहा है, तब से 8 देशों का दौरा लगाने का उनको समय मिल गया, लेकिन मणिपुर जाने का उनको समय नहीं मिला? शायद इसका यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि महिलाओं के साथ हिंसा से क्या फर्क पड़ता है, महिलाओं के साथ बलात्कार से क्या फर्क पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो खुद ही अपनी पार्टियों में बलात्कारियों की इतनी लंबी लिस्ट है, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे वो गुजरात के मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मंत्री अर्जुन सिंह चौहान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता किशन राय का बेटा ध्रुव राय हो, या वो अभी न्यूज में रहे बृजभूषण शरण सिंह हो, या वो शांतिलाल सोलंकी हो, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से लेके नीचे तक महिलाओं से हिंसा करने वाले, महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले और महिलाओं का बलात्कार करने वाले नेता भरे हुए हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर की बेटियों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। आज कह रहे हैं कि हम उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन जब 1 महीने से मणिपुर की मीडिया बार बार रिपोर्ट कर रही थी कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, तो कहां थी मणिपुर की सरकार? कहां थे देश के गृह मंत्री अमित शाह? कहां थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आज देश की बेटियों की तरफ से, देश की महिलाओं की तरफ से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूंगी कि आपको देश की बेटियों को जवाब देना होगा, मणिपुर की बेटियों को जवाब देना होगा इस हिंसा के लिए, इस दर्दनाक घटना के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं।